अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद दुनिया भर के आतंकी संगठन जश्न मना रहे हैं। अलकायदा और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत की सराहना की है। आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर तालिबान के नियंत्रण की तुलना शुरुआती मुस्लिम विजय से की है। यही नहीं, अलकायदा की यमन शाखा ने भी तालिबान की जीत पर अपनी बधाई दी है। दुनिया भर में आतंकी संगठन जिस तरह तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं, वो एक बड़े खतरे की ओर संकेत करता है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम ने उम्मीद जताई है कि तालिबान की जीत से सबक लेकर सीरिया में भी उसका झंडा बुलंद होगा। बता दें कि आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम को HTS के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिमी सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले हिस्सों में एक शक्तिशाली आतंकी गुट है। इस आतंकी संगठन ने कहा है कि चाहे कितना भी समय लगे, सीरिया में उनकी जीत होगी। इस बीच अलकायदा की यमन शाखा ने अफगानिस्तान में जीत पर तालिबान को बधाई दी है और अपना सैन्य अभियान जारी रखने की कसम खाई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि तमाम आतंकी संगठनों की ओर से ये प्रतिक्रियाएं ऐसे वक्त में आई है जब अलकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की जद्दोजहद कर रहा है और वो बार बार दुनिया के सामने वादे कर रहा है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में नहीं होने देगा। जानकारों की माने तो दुनिया भर से आ रही आतंकी संगठनों की ये प्रतिक्रियाएं बेहद खतरनाक संकेत हो सकती हैं। तालिबान की विचारधारा और उसकी नीतियों ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है और ऐसे में इस तरह की विचारधारा आने वाले समय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।